हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आज के इस सेशन में। मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो भी रिसेंटली एमसीक्यूज आए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। पूरा एमसीक्यू का सेशन होगा। जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज किए हैं लेटेस्ट, ये बिल्कुल वही एमसीक्यूज बैंक है। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द सेम ईयर इज नॉट मैंडेटरी फॉर। आपको याद होगा प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में नहीं लगता है, असेसमेंट ईयर में लगता है। बट देयर वर सम एक्सेप्शंस, सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सारे के सारे, सारे ही ऑप्शन इसके अंदर कवर है। 172 ये हो गया नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, 174 हो गया पर्सन लिविंग इंडिया, डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, ठीक है 174A हो गया, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस भी। अब कौन सा ऐसा केस है जिसमें ऐसी चीज मैंडेटरी नहीं है? दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पर ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका रीजन ये है कि इस फोर्थ ऑप्शन में ना असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ले सकता है, या फिर वो असेसमेंट ईयर में भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब अगले साल के लिए भी कह सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। सिर्फ इस वाले पार्ट में ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं। आगे, ए बी वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड हिज पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया इन 1952, हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका। बच्चों देखो, ये इंडियन ओरिजिन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लिए 182 डेज, इंडियन ओरिजिन के लिए आपके पेरेंट्स या आप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं 1947 में से, 1947 से पहले, और ऐसा नहीं है तो इसीलिए इंडियन ओरिजिन तो ये है नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, सिटीजन भी नहीं हो सकता क्योंकि इंग्लैंड बॉर्न है ना, इसलिए। तो फॉरेन नेशनल बी शुड बी द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। इनकम एक्रूइंग इन जापान एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द केस ऑफ। एक्रू कहां पे हुआ? जापान। रिसीव कहां हुआ? बाहर ही। एक्रू राइट बाहर, रिसीव बाहर, बट टैक्सेबल हो सकता है क्या इंडिया में? हाँ, आरओआर के केस में टैक्सेबल हो सकता है। बोलो यस और नो, आरओआर के केस में टैक्सेबल हो सकता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द वन इज नॉट अ कैपिटल रिसीट। इनमें से क्या कैपिटल रिसीट नहीं है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये तो रेवेन्यू रिसीट है। बोनस शेयर्स, क्या ये कैपिटल रिसीट है? बोनस शेयर्स मिलना इज अ कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ नो हाउ इज अ कैपिटल रिसीट। कॉम्पेंसेशन रिसीव फॉर वेकेटिंग अ बिजनेस प्लेस, ये भी क्या है? कैपिटल रिसीट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू रिसीट है। तो दोस्तों इनमें से क्या ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैजुअल इनकम। इनमें से क्या कैजुअल इनकम है? तो आपको पता है तुक्के वाली इनकम। डिविडेंड इनकम कैजुअल इनकम थोड़ी ना है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज अ कैजुअल इनकम। इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, पेंशन रिसीव नहीं है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनमें से कौन सा इनकम के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया? पीजीबीपी, यस। प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, यस। डिविडेंड, यस। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से ऐसा कोई डेफिनेशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये है हमारा आंसर। अ पर्सन इज सेड टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो देखते हैं इसमें क्या है आंसर। सो सी, थर्ड पार्ट शुड बी द आंसर, सेवेंथ का आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनकम रिसीव इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। इनकम रिसीव इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया हो गया, तीनों को टैक्सेबल होना चाहिए। बताओ यस और नो। तो ऑल एसएससीज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सो सी, एट का थर्ड पार्ट इज द आंसर। डन। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ, रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब माना जाएगा? अगर उसका 182 डेज वाला क्लॉज पूरा हो जाए। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? 30 डेज लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये होना चाहिए, नाइन्थ का टू होना चाहिए आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यस और नो। आगे आ जाओ। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी, यस। अकोमोडेशन से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, सिटीजनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंशियल स्टेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। इनमें से क्या एग्रीकल्चर इनकम है? डिविडेंड पेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम ऐसे डिविडेंड दे रहा है, अरे भाई
एग्रीकल्चर कंपनी तो एग्रीकल्चर इनकम कमाती है, बट शेयर होल्डर को तो डिविडेंड ही जा रहा है ना, ये एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यस ये एग्रीकल्चर इनकम है। बताओ क्यों? क्योंकि आप एग्रीकल्चर का काम करते हो और उसी में से जो प्रॉफिट का शेयर हम आपको दे रहे हैं वो पार्टनर्स को क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। बट हालांकि वो बात और है कि पार्टनर्स को तो एग्जेम्प्ट होता है, बट वो है तो उसका एग्रीकल्चर इनकम ना। बोलो हाँ या ना। सो ऑप्शन 11th का क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। यस आ गया, मैं चेक कर रहा हूं साथ साथ आ गया। इन द केस ऑफ एनी एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो भाई अगर आप टी का काम करते हो तो टी का काम करते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, सिर्फ टी मैन्युफैक्चर करने का, दोस्तों आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी ना इसमें। हिज एग्रीकल्चर इनकम इज निल, 3 होना चाहिए आंसर। बोलो हाँ या ना। अरे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करते हो, अगर आप 60-40 वाली बात याद कर रहे हो तो वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी था, समझ में आया? यहां पे ग्रोइंग वर्ड नहीं लिखा, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, तो बिजनेस इनकम सारी की सारी होगी, एग्रीकल्चर इनकम 0 होगी। इनकम फ्रॉम सैपलिंग शैल बी कंसिडर्ड एज सैपलिंग इनकम, ठीक है, सीड्स एंड सैपलिंग से जो इनकम होती है वो क्या है? एग्रीकल्चर। एन इंडिविजुअल बॉर्न इन इंडिया लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन दिस डेट, ही विजिटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? मुझे बताओ क्या? मुझे तो लगता है 182 डेज आराम से बन रहे हैं, क्योंकि वो 30th अक्टूबर को गया ना, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करनी होती है तो हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर भी 30, तो ये 182 डेज हो गए हैं, इसलिए रेजिडेंट तो ये है। और इससे पहले वो पहली बार ही गया है, मतलब इस बार इंडिया से बाहर, तो इससे पहले कभी गया नहीं, तो आर ओ आर इज द आंसर, आर ओ आर इज द आंसर, 14 का 1 होना चाहिए आंसर। इनकम ऑफ 3 लाख इज रिसीव इन श्रीलंका बाय ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, भाई रिसीव कहां हुआ? श्रीलंका, है ना, ऑर्डिनरली रेजिडेंट आर ओ आर ने रिसीव किया है, तो मुझे बताओ आर ओ आर को चाहे वो 50,000 इंडिया में भेज रहा है, अगर वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो दोस्तों वो तो उसको टैक्सेबल हो गई होगा, हाँ या ना, 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो गई होगा, पूरे 3 लाख रुपए इट इज टैक्सेबल। 50,000 का कोई रोल नहीं है यहां पर, 3 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल, 15th का 1 शुड बी द आंसर। आगे एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का रेजिडेंट है इन द प्रीवियस ईयर इन विच द फेब मंथ हैज 29 डेज इफ ही इज इन इंडिया इन दैट ईयर फॉर द पीरियड, आपको बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट है इन द प्रीवियस ईयर इन विच द फेब मंथ हैज 29 डेज, तो क्या उससे 183 डेज हो जाएगा? नहीं, कंडीशन तो 182 ही रहेगी, कंडीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी अगर वो लीप ईयर है तो, समझ गए मेरी बात? तो यस 182 डेज, कंडीशन लॉ में लिखी गई है 182। आगे आ जाओ, मिस्टर एक्स इज एंगेज इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी, अब आ गया ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी, यहां पर आपका इनकम है 140, आपसे पूछ रहे एग्रीकल्चर कितना होगा, 140 का 60% 84,000 यानी 17th का 2 इज द आंसर। हाँ जी, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, नंबर 1 रेमुनरेशन पेड टू अ लेक्चरर ऑफ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर बाय अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये तो अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, है कि नहीं? यूनिवर्सिटी, आप जॉब करते हो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के पेपर सेट कर रहे हो, उसके लिए रेमुनरेशन मिल रही है, ये कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। नंबर 2 सैलरी रिसीव बाय एमपी, ये भी कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। कमीशन रिसीव बाय, ये सैलरी में जाएगा, तो एक्चुअल में 2 अदर सोर्सेज वाले हैं, सो आंसर शुड बी डी, बोथ 1 एंड 2। इफ अ डोमेस्टिक सर्वेंट इज एंगेज इन बाय एम्प्लॉयर एंड द सैलरी इज पेड बाय हिम, अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर एंगेज कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में सैलरी इज पेड बाय हिम, ठीक है, तो जो परक्विजिट है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ, कौन से एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा? आपको याद है जब स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको तो सारे परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को 5 परक्विजिट एग्जेम्प्ट होते हैं, उसमें से डोमेस्टिक सर्वेंट वाली फैसिलिटी भी आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होना चाहिए, तो आंसर शुड बी 19th का सी, 19th का सी होना चाहिए, थर्ड पॉइंट। यस आगे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर रेट सैलरी, अब इनमें से कौन सा है टैक्सेबल अंडर रेट सैलरी,
सैलरी रिसीव बाय एमपी एमएलए नहीं, ये सैलरी में नहीं आएगा, कमीशन रिसीव ये आएगा, फैमिली पेंशन रिसीव ये भी अदर सोर्स में जाएगा। सो आंसर शुड बी 20 का 2, सेकंड पार्ट शुड बी द आंसर, यस और नो। 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, में से कौन होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, याद करो, डायरेक्टर एम्प्लॉई, ऐसे एम्प्लॉई जिसके कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, और नंबर 3 जिसकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा हो। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यस, अ पर्सन हु इज ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 10% वोटिंग पावर इन द एम्प्लॉयर कंपनी, 10% तो नहीं है, 20% होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, 21 का डायरेक्टर होना चाहिए। 1 एंड 2, 15,000 की सैलरी, गलत है बेटा, ये गलत है, आंसर गलत है, 21 का 1 होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दिया हुआ है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी होगा। मैं आपको लिखवा देता हूं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉईज में कौन कौन आते हैं, एक आता है डायरेक्टर एम्प्लॉई, एक आता है एन एम्प्लॉई हु इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर, और नंबर 3 एन एम्प्लॉई ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज पर एनम, याद है, तो वो होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब 15,000 रुपए पर मंथ कहां से डाला है, ये गलत है, ठीक है, आप लोग अपना फिर भी वेरीफाई कर लेना, मैं श्योर हूं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शुड बी द आंसर। आगे आ जाओ, 22, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नेट एनुअल वैल्यू तो निल होती है, निल, निल शुड बी द आंसर। आगे आ जाओ, अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एसएससी, इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी, इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सिर्फ और सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि आरओआर कहीं से भी इनकम कमाए टैक्स कहां देते हैं, इंडिया में, यस और नो। आगे आ जाओ, फॉलोइंग असेसीज कैन बी कंसिडर्ड एज हाउस प्रॉपर्टी, एज फॉलोइंग असेसीज कैन कंसिडर्ड अस हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इनमें से कौन से एसएससी के लिए हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए हो सकती है, सारे एसएससी के लिए कहां हो सकती है, 24 का 1 होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड इन द केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट, रिपेयर्स नहीं, न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, ये क्या चीज है भाई, न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर, वैकेंसी अलाउंस, कोई भी नहीं मिलनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, अच्छा देख लेते हैं, लॉस इनकम ड्यू टू थेफ्ट इन द फैक्ट्री आफ्टर वर्किंग आवर्स, चोरी हुई और चोरी हुई है वर्किंग आवर्स के बाद, ये अलाउड नहीं होगा, ऐसा क्यों, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस, ये तो अलाउ, ये भी अलाउ नहीं होगा, ये तो अलाउ हो जाना चाहिए, इसमें कोई देना देना है नहीं, लॉस कॉज बाय वाइट हैंड्स, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर इन स्टॉक एंड ट्रेड, कह रहा कौन से खर्चे की डिडक्शन नहीं देंगे, बेटा इसमें मुझे सिर्फ लॉसेस का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लॉस हो लॉस की डिडक्शन मिल जाती है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस की नहीं दे सकते, प्रोविजंस की नहीं होती अलाउड, है ना, तो 26 का 2 होना चाहिए, यस। द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कितना होता है 5%। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज एन अलाउंस, हाँ मिल जाती है डिडक्शन, किसको मिलती है, सिर्फ कंपनी को मिलती है, सिर्फ किसको मिलती है, कंपनी को, तो इसका आंसर होना चाहिए कंपनी, बिल्कुल सही, सारी चीजें पड़ी हुई है, कंडीशंस पड़ी हो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीजें वहीं से हैं। अच्छा अगला बताओ, इन केस ऑफ लॉस अ फर्म कैन फर्म में क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ, एक फर्म कैन क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर्स टू द एक्सटेंट ऑफ, या तो 1.5 लाख रुपए या 90% बुक प्रॉफिट व्हिचएवर इज लोअर, यही होता है ना,
हाँ होता तो यही है, बट 90% बुक प्रॉफिट कहाँ से आया, फर्म तो लॉस में है, तो 1.5 लाख रुपए ही कर देना चाहिए आंसर, तो 1.5 लाख रुपए 29 का। अब वैसे लॉजिकली इन्होंने तो आंसर ये लिख दिया है जो एक्चुअल में प्रॉफिट में लिखा जाता है, लॉस में नहीं, बट हालांकि ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर दे दिए हैं, या तो 1.5 लाख या 1.5 लाख और 90% बुक प्रॉफिट होना, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, बट लिमिट 1.5 लाख ही होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो आपका आंसर यहां पर 1.5 लाख भी है, ये भी करेक्ट है, लिमिट इतनी है, क्योंकि लॉस का केस है ना, प्रॉफिट का केस होता तो मैं ये कहता 90% बुक प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे, यहां पे कह रहे लॉस है, तो लॉस है तो क्यों हम ऐसा देख रहे हैं, बेकार की बात है, 1.5 लाख रुपए ही होना चाहिए आंसर। दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है, 1 एंड 3। ओके आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, 31 नहीं 30, अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन इफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर 2 ईयर्स, होता है ना उसमें, आपको कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन इफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब 2 ईयर्स से ज्यादा, मोर देन 24 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। यस, डी शुड बी द फोर्थ, शुड बी द आंसर, फोर्थ पॉइंट, डन। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, 31 पे देखते हैं, पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, इनमें से क्या पर्सनल इफेक्ट नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं पर्सनल इफेक्ट बोलूं, मैंने ये बात बताई होगी आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, जब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना उसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होते, तो उसमें पढ़ते हैं मूवेबल पर्सनल बिलोंगिंग्स कैपिटल एसेट नहीं होते, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट कहते हैं उसको। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो पर्सनल आपके नाम पे है तो इट इज अ कैपिटल एसेट, इज दैट क्लियर, तो क्या पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कवर नहीं हो रहा, मतलब पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आता, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट्स वो थे जो एसेट नहीं है, ये तो कैपिटल एसेट है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी याद है कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है, ये तीनों चीजें कैपिटल एसेट, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 31, 32, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर टैक्स ही नहीं लगता बेटा, टैक्स ही नहीं लगता, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल एज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज एसेट, 3 होना चाहिए आंसर। थर्ड पॉइंट, आगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज निल, हाँ एक्सेप्शन इज बोनस शेयर्स, क्योंकि 1/4/2001 से पहले बोनस शेयर्स अगर मिलते हैं ना तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट हो जाती है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट अ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, यस 50%, 50% याद है ना, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट वाले बात कर रहा है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऑल एसएससीज पर एप्लीकेबल होता है, ऑल एसएससीज, 35 का सारे एसएससी पर एप्लीकेबल होता है, ये गिफ्ट वाला पॉइंट है। व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू द एसएससी फॉर, अगर जब आप अदर सोर्स इनकम निकालते हो तो उसमें कौन से खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलती, पर्सनल खर्चों की नहीं मिलती, डायरेक्ट टैक्स की नहीं मिलती, इंटरेस्ट जिस पे टीडीएस नहीं काटा, तीनों की नहीं मिलती, ऑल ऑफ द अबव। गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इज नॉट टैक्सेबल, गिफ्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल कब टैक्सेबल नहीं होगा, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फैमिली फ्रेंड ये टैक्सेबल, फैमिली फ्रेंड फ्रेंड है ना तो ये तो टैक्सेबल होना चाहिए, एनी गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ये टैक्सेबल नहीं होगा, एनी गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल एसएससी, अच्छा एनी गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ एनी मैरिज इन द फैमिली ये टैक्सेबल होना चाहिए, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फैमिली फ्रेंड फ्रेंड से मिला है ये भी टैक्सेबल होना चाहिए, एनी गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल एसएससी ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इसमें से क्या टैक्सेबल नहीं है, ये नहीं है। 3 आगे आ जाओ, इंडिविजुअल परचेज अ पेंटिंग ऑन 1/11/23 फॉर 5 लाख, मार्केट वैल्यू है 5,25,000, 25,000 रुपए सस्ता, क्या ये टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, यस थर्ड पॉइंट इज द आंसर। आगे आ जाओ, अनकमिटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुली टैक्सेबल, दोस्तों फुली टैक्सेबल, अनकमिटेड पेंशन प्राइवेट को मिले फुली गवर्नमेंट को मिले फुली टैक्सेबल होती है। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर ऑफ फर्म इज चार्ज अंडर द हेड, अरे
पार्टनरशिप फॉर्म से जब सैलरी मिलती है ना पार्टनर को, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, बिजनेस इनकम, यस और नो? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एसपीएफ फुली एग्जेम्प्ट दोस्तों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एसपीएफ फुली एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, आरपीएफ में एग्जेम्प्ट होता है अप टू 9.5% पर एनम, है कि नहीं? द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज रेंटल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या होना चाहिए? एनुअल वैल्यू, नॉट रेंटल वैल्यू, है वही, बट 43 जब मैं बात करता हूं ना सेक्शन नंबर 22 की, तो वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू। ए बोरोड 5 लाख रुपीज एट 12% पर एनम ऑन 1/4/15 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 15th March 2024 एंड लेट आउट, द अमाउंट इज स्टिल अनपेड, द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 शैल बी, क्या होना चाहिए? 1/4/15 को लिया लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 24, कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रही है? 15 मार्च 24 को। अच्छा, तो अगर मैं 23-24 की बात करूं तो अभी लोन तो पेंडिंग चल रहा है, तो 5 लाख का 12% हो गया 60,000 इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्री कंस्ट्रक्शन निकाल लेते हैं, 1/4/15 से 15 मार्च 24 से पहले का 31 मार्च, तो ये बनेगा 1/4/15 से लेकर 31 मार्च 2023, उससे पहले का 31 मार्च, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 साल बनते हैं। 8 सालों का इंटरेस्ट निकाल लो, 5 लाख उसका 12% इंटू 8, तो 8 सालों का इंटरेस्ट निकाल लो, 5 लाख का 12% इंटू 8 साल, ये बनते हैं 480। और आपको तो पता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 सालों में बांटना होता है, तो 480 / 5 96 वो और 60 प्रीवियस ईयर वाला, तो टोटल हो गया 1,56,000। ओह माय गॉड, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अमाउंट इज स्टिल अनपेड, तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 23-24 में तो लोन आउटस्टैंडिंग है, तो 60,000 तो बनना ही था। इसके बाद या तो ये डेट में कुछ गड़बड़ है, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने तो अपनी तरफ से ठीक किया। और क्वेश्चन ने कौन सा इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन मांगा है? क्वेश्चन ने पूरा इंटरेस्ट की बात करी ना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बेटा 1,56,000 होना चाहिए, आंसर गिवन नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों 1,56,000 होना चाहिए आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। सम रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉई शैल बी, कीमैन पॉलिसी से जो पैसा मिलता है, हाँ, सम रिसीव बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी में, है ना? ऑप्शन टू, आगे आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर ईसॉप, क्या होती है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, सो ऑप्शन टू इज द आंसर इन ईसॉप। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर हो जाए, इस केस में कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? बच्चों एग्जेम्प्ट होता है ना, याद करो सेक्शन 10 क्लॉज 37 एग्जेम्प्ट, 47 का एग्जेम्प्ट, डन। वेयर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 मंथ्स, शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म ही रहता है, ब्लॉक ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा क्या रहता है? शॉर्ट टर्म, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, बिल्कुल सही।
और इंटायर ब्लॉक बेच दिया, होल ब्लॉक सीज इट टू एग्जिस्ट का केस है, शॉर्ट टर्म 48 का थ्री होना चाहिए आंसर, डन। आगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F शैल नॉट बी अलाउड इफ एसेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स, 54F एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F शैल नॉट बी अलाउड इफ एसेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स एनी रेजिडेंशियल हाउस, नहीं एक रेजिडेंशियल हाउस तो अलाउ, मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस अलाउड नहीं है, मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस अलाउड नहीं है, तो फोर्थ होना चाहिए आंसर। यस, इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली इंप्लॉयड, यस 50 का थ्री होना चाहिए आंसर, यस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रू बेसिस भी हो सकता है, मर्केंटाइल मर्केंटाइल होता है एक्रू बेसिस या रिसिप बेसिस, दोनों में से जो भी हो सकता है। लॉटरी इनकम, अच्छा पीजीबीपी इनकम का भी ऐसे ही करते हैं, पीजीबीपी में भी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है। लॉटरी इनकम क्रॉसवर्ड पजल्स हॉर्स रेसेस अदर रेसेस कार्ड गेम्स आर कैजुअल इनकम, हाँ इट इज फुली टैक्सेबल, बिल्कुल सही फुली टैक्सेबल होना चाहिए, 51 का आंसर इज फुली टैक्सेबल, बिल्कुल सही। आदि रिसीव 70,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, लो जी 70,000 फ्रेंड से मिले, 50,000 से ज्यादा है, पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, 52 का फुल 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी चार्ज अंडर द हेड सैलरी, सैलरी है उसकी। कैजुअल इनकम रिसीव बाय एसएससी इज फुली टैक्सेबल, कोई डाउट ही नहीं है, इतने बच्चों वाले क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स माइनर डॉटर अर्न 50,000 फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, टैलेंट से कमाया इनकम, तो ये तो माइनर डॉटर को ही टैक्सेबल होगी, इनकम ऑफ मिस्टर एक्स मिसेज एक्स इट विल नॉट बी क्लब, तो आंसर शुड बी इट विल नॉट बी क्लब, यस बच्चों याद है ना, टैलेंट स्किल नॉलेज से कमाते हो तो वो इनकम क्लब नहीं होती। इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर शैल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ माइनर मैरिड डॉटर, गलत, क्लब्ड विद द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज ऑलरेडी हायर, सो ऑप्शन टू शुड बी द आंसर, 56 का ऑप्शन टू शुड बी द आंसर इज करेक्ट आंसर। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल 8 years। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इज अवेलेबल इफ एसएससी इज एंगेज इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये 80JJA है ना, तो 80JJA था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यस आगे आ जाओ। मैक्सिमम लिमिट फॉर 80TTA, TTA 10,000, 80TTA 10,000 ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एसएससी इफ एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज 10,000 और मोर, 10,000 और मोर। TDS is not required to be deducted under section 194A if the amount of interest on loan does not exceed 194A, याद करो TDS क्या लिमिट है, 5,000 लिमिट है, 5,000 होना चाहिए, 61 का 61 का 5,000। 62 on salary tax is required to be deducted at the time of payment or crediting the employee whichever is earlier होना चाहिए, 62 का वन होना चाहिए आंसर, 62 का वन, भाई वैसे तो पेमेंट या क्रेडिटिंग द एम्प्लॉई विच एवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, गलत लग रहा है बच्चों ये भी गलत लग रहा है मुझे, दिस शुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी नंबर वन, तो पेमेंट और क्रेडिटिंग द एम्प्लॉई विच एवर इज अर्लियर, ठीक है पेमेंट टाइम पर नहीं, जिस टाइम पर क्रेडिट हुआ उस टाइम पर भी टीडीएस काट सकते हैं, जो अर्लियर हो जाए उन दोनों में से जो पहले हो जाए, पहले वाला होना चाहिए। वेयर असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बिलेटेड आईटीआर फॉर असेसमेंट 24-25 कैन बी फाइल्ड अप टू 31st December 2024, वन शुड बी द आंसर, यस। Where assessment has not been completed, revised return can be filed within. अगर revised return नहीं, assessment has not been completed, assessment नहीं हुई अभी तक, तो revised return कब तक file की जा सकती है? Within from the end of, within dash from the end of the financial year, and the relevant previous year.
प्रीवियस ईयर के एंड से 31 दिसंबर तक, तो 9 महीने बनेंगे, तो 31 दिसंबर 9 months होगा, 64 का 9 months। यस भाई, दोनों में रिवाइज रिटर्न में भी और बिलेटेड रिटर्न में भी लास्ट डेट 31 दिसंबर होती है असेसमेंट ईयर वाली। क्लबिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 64(1)(6) आर एप्लीकेबल वेयर एसेट इज ट्रांसफर बाय इंडिविजुअल फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ। सन्स वाइफ यस और नो? स्पाउस के लिए था 4, सन्स वाइफ के लिए था 6। एज पर सेक्शन 64(1)(a) इनकम अक्रूइंग टू माइनर शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ विच एवर इज ग्रेटर। ये होना चाहिए आंसर डी, जो भी पेरेंट की इनकम ऑलरेडी क्या होगी हायर। ओके, 67 का क्वेश्चन ही नहीं, 67 का क्वेश्चन गिवन नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड 4 साल, 4 साल इज द करेक्ट आंसर। डिडक्शन इन सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF एटसेट्रा इज अलाउड टू असेसी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एच ओ एफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 69 का क्या आंसर होना चाहिए था? इंडिविजुअल और एच ओ एफ दोनों होने चाहिए। यस, इंडिविजुअल एंड एच ओ एफ इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? डिडक्शन इन सेक्शन 80D इज अलाउड इफ द प्रीमियम इज पेड। 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस गलत, जनरल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस कहीं लिखा नहीं हुआ बट जनरल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो यही आंसर। जनरल इंश्योरेंस लिखा ना, यही है, जनरल मतलब नॉन लाइफ, तो मेडिकल इंश्योरेंस। आगे रिबेट इज टैक्स, रिबेट इन टैक्स अंडर सेक्शन 87A इज एप्लीकेबल। इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, जबकि रेजिडेंट इंडिविजुअल शुड बी द आंसर। यस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJ न्यू एम्प्लॉइज, याद है न्यू एम्प्लॉइज के लिए होता है। न्यू वर्कर शैल बी अलाउड टू असेसी हु टू हुम सेक्शन 44AB अप्लाइज, इंडियन कंपनी या इंडियन कंपनी और पर्सन अदर देन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया। 44AB ऑडिट होनी तो जरूरी है, तो यही वाला रीजन होना चाहिए, 44AB ऑडिट होनी जरूरी है, बट कंपनी के लिए कोई डोमेस्टिक कंपनी का नाम नहीं लिया गया, कोई भी हो सकती है। मैक्सिमम अमाउंट विच हैज बीन डोनेटेड इन कैश डिडक्शन 80G में 2000 इज द करेक्ट आंसर कैश की। वेयर अ मेंबर ऑफ HOF हैज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इनकम अराइजिंग फ्रॉम देयर इज टैक्सेबल। वेयर मेंबर ऑफ HOF has converted his self-acquired property, अपनी खरीदी हुई property for inadequate consideration into joint family property में दे दी, transfer कर दी, बताओ क्या करेंगे? अगर अपनी खरीदी हुई property joint family property, तो ऐसे केस में वो income arising from it is taxable, सारा का सारा taxable हो जाएगा transferer के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रांसफर। 74 का 1 होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही। 75 एडवांस टैक्स शैल बी पेबल बाय एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ करंट इनकम, 10,000 से ज्यादा होगा, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। लाइबिलिटी टू डिडक्ट एट सोर्स इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अराइजेस एट द टाइम ऑफ, यही होना चाहिए 3, 76 का 3 होना चाहिए। Yes. 77 Who is empowered to make a law for the matters containing list 2 of schedule 7 of the constitution of India? Central, state या both central and state? List 2 में state list होता है, state government. Power to make laws with respect to goods and service tax. किसके power है? GST से related. Article 279A वो तो हो गया, GST council. Power to make laws कौन सा article है? 246A, 248 का 246A, 78 का 246A, yes. Indirect tax is regressive, progressive, both one and two. Regressive, indirect tax को क्या बोलेंगे? Regressive. So 79 का one is the correct answer. Which one of the following is not? Not.
ओहो, एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टाइप? जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इनकम टैक्स नहीं है। क्या क्या सवाल है बोलो। क्वेश्चन नंबर 81। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन्स। हर एक को बर्डन शिफ्ट करते हैं ना भाई, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डालता है, दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को, तो डिफरेंट पर्सन्स। इनडायरेक्ट टैक्स, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन जीएसटी में लीड्स टू, इन्फ्लेशन कह सकते हो, क्योंकि जीएसटी बढ़ेगा तो प्राइसेस राइज करेंगे, तो इन्फ्लेशन कह सकते हो। 82 का, यस। आगे आ जाओ। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स आर डेल्ट बाय, कौन देखता है इसका? सीबीआईसी देखता है। सीबीआईसी 83 का, सीबीआईसी। इन द प्री जीएसटी रिजीम, एक्साइज ड्यूटी हैज बीन लेविड बाय डैश सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वेयर एज वैट हैज बीन लेविड बाय, मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर ही लिख दिया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, तो 84 का वन होना चाहिए, उन्होंने यहां पे स्टेट ही लिख दिया है गलती से। आगे आ जाओ। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मींस टैक्स ऑन टैक्स। आगे आ जाओ। हु इज एम्पावर टू मेक लॉज फॉर मैटर्स कंटेनिंग इन लिस्ट वन ऑफ स्केड्यूल 7? सेंट्रल गवर्नमेंट। यार कुछ तो ढंग का क्वेश्चन बनाते। आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर करंट सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड न्यू जीएसटी इवन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ऐसी कौन सी आइटम्स हैं विच विल बी टैक्सेबल दोनों में? सर वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। 87 का 3 होना चाहिए आंसर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स, बिल्कुल परफेक्ट। इस पे दोनों लगते हैं, सेंट्रल एक्साइज भी और जीएसटी भी। हु इज द चेयरमैन हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आईजीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया। ऑप्शन टू 89 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? टू। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन, बायंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऑप्शन फोर मुझे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट? अब बेनिफिट की बात करें ऑफ जीएसटी तो सारे ही है, कंप्लायंस बर्डन कम हो गया टैक्स पेयर्स के लिए, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट ये भी कह सकते हैं। ये कैसा क्वेश्चन हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट बोलना था, नॉट बेनिफिट बोलना था? ये सारे ही बेनिफिट है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये भी तो बेनिफिट है। क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल होना चाहिए, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट। ये वैट सब्ज्यूम्ड हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हो गया, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। 91 का डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द नहीं, इंडिया हैज चूजन डैश मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी? यूएसए, यूके, कैनेडियन, जापान। कैनेडियन मेरे हिसाब से, कैनेडियन, यस कैनेडियन मॉडल हम फॉलो करते हैं, जहां पे ड्यूअल जीएसटी लगता है। ड्यूअल मतलब कनाडा में भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश में, हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, इसलिए सेम मॉडल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज 10 फर्स्ट अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था ये? 10 फर्स्ट अमेंडमेंट था 93 का। 94, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड एज टैक्स कैस्केडिंग, अभी तो पढ़ा, फिर से दोबारा रिपीट कर दिया। यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन? सोल्ड फ्रॉम यूटी, गुड्स आर परचेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, ये एक यूटी से दूसरे यूटी, बट एक यूटी से दूसरे यूटी भी गलत है, ये भी गलत है। एक यूटी से दूसरे यूटी नहीं होना चाहिए, विद इन द यूटी होना चाहिए। यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, क्या लिख रहे हैं भाई ये? देर इज इंटर स्टेट सप्लाई, यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन देर इज इंटर स्टेट सप्लाई, क्या कह रहे हो तुम? इंटर नहीं होगा, यहां पे लिखना होगा इंट्रा, इंट्रा यूटी लिखना होगा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
बच्चों ठीक कर लेना इसको, ये मुझे गलत लग रहा है, इंट्रा यूटी होना चाहिए। इंटर यूटी कैसे हो सकता है, इंटर स्टेट हो गया तो भाई वो तो आईजीएसटी लग जाएगा, इंटर स्टेट में तो क्या लगता है आईजीएसटी, नहीं हो सकता ये गलत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, 279A, 279A। सो 97th क्वेश्चन, जीएसटीएन इज, बच्चों ये वही सेक्शन 8 कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, 50% वाली तो गवर्नमेंट कंपनी हो ही नहीं सकती, 100% भी नहीं है, 51%। तो जीएसटीएन इज 51% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। आगे आ जाओ, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स सेल ट्रांसफर बार्टर ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इनमें से क्या, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, हाँ ये सही है, ट्रू, लीज ऑफ लैंड, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल ऑफ द अबव, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ऑप्शन शुड बी वन। आगे आ जाओ, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग डैश इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर बाई एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, 50,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट देंगे तो ये आपको टैक्सेबल नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले केस में 50,000, 100 का आंसर होना चाहिए 50,000। अ होटल प्रोवाइड्स 4-day 3-night पैकेज विद अ फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड, क्या ये नेचुरली बंडल्ड, इज दैट क्लियर। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिक्स सप्लाई, सप्लाई इज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट, सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, नेचुरली बंडल्ड नहीं है तभी तो मिक्स सप्लाई है। इन द केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच टाइप ऑफ जीएसटी इज एप्लीकेबल, आईजीएसटी लगता है तब तो। रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय डैश ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस ऑफ बोथ, रिवर्स चार्ज यानी रेसिपियंट्स को जीएसटी देना होता है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, रेसिपियंट्स। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 105 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इशूड बाई गवर्नमेंट टू एक्सेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज लेवेबल इन द एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में देखो, एक्सेप्शनल केसेस में एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, अगर अगर स्पेशल ऑर्डर हो, एग्जेम्पशन दो प्रकार की है, एक एक नोटिफिकेशन वाली और एक ऑर्डर वाली, ये ऑर्डर वाली की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहा है। ओके, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को दिया शैल बी एग्जेम्प्ट, हाँ प्रॉपर्टी रेंट ऑफ रूम वेयर पर डे चार्जेस इज लेस देन 1,000 ये एग्जेम्प्ट है, शॉप रेंट पे दिया 10,000 रुपए पर मंथ से कम का किराया, और ये भी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, 106 का ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। आगे आ जाओ, 107, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द मैन्युफैक्चरर इज नॉट अलाउड टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, पान मसाला नहीं मिल सकता कॉम्पोजिशन स्कीम, आइसक्रीम नहीं मिलता, टोबैको सब्स्टिट्यूट, टोबैको लिखना चाहिए था इनको, तो वो भी उस पर भी नहीं मिलता, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, 107 का भी ऑल ऑफ द अबव। आगे आ जाओ, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द फॉरवर्ड चार्ज, क्या होता है, द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस टू बी इशूड या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर, तो ये होना चाहिए आंसर 108 का डी, ए और बी विच एवर इज अर्लियर। द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी रिजेक्टेड, ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन वैल्यू, अगर बायर सेलर क्या हूं रिलेटेड हुए, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, वन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आपको याद होगा ये कंडीशन थी ट्रांजेक्शन वैल्यू की, अगर ये पूरी नहीं है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू मेथड लगेगा ही नहीं, समझिए। 110, इन द केस ऑफ गुड्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी, सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी, सप्लायर हुआ ना, हाँ सप्लायर हुआ, तो सप्लायर ने फ्री सैंपल में बांट दिया तो सप्लायर कैन क्लेम आईटीसी, नो कैन नॉट क्लेम आईटीसी, तो थ्री होना चाहिए आंसर 110 का, सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी। यस, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स देन आईटीसी कैन बी अवेयर्ड, जब पूरे गुड्स मिल जाए 100%,
लास्ट इंस्टॉलमेंट डन. पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन एवरी सब स्टेट और यूटी इन विच ही इज लायबल विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल ना 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल. तो 112 का क्या आंसर होना चाहिए? 1. टैक्स इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. नहीं, ट्रिप्लीकेट. गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट, तीन कॉपी होंगी, एक ट्रांसपोर्टर को भी देते हैं, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डुप्लीकेट. तो ये आंसर होना चाहिए. एनुअल रिटर्न इज अ समरी ऑफ जीएसटीआर 1, 3B, 4 या ऑल ऑफ द अबव. भाई एनुअल रिटर्न वैसे ऑल ऑफ द अबव ही होगा क्योंकि सब कुछ आता है ना उसके अंदर, पिछले पूरे साल का सब आता है. तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर. पेमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड डैश फाइलिंग रिटर्न. पेमेंट ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड बिफोर आफ्टर या बिफोर और आफ्टर या बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. हाँ 115 का ये हो सकता है लास्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. बिल्कुल ठीक बात है. एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इज कंपाउंडिंग स्कीम. देखो क्या गलती लिख रहे, कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ ठीक है 1.5 CR. आगे आ जाओ. द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर टू डिसाइड द टैक्सेबल मिनिमम टर्नओवर विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट. नहीं, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो ऑल इंडिया टर्नओवर लेनी चाहिए, तो बी होना चाहिए. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड इन विच फॉर्म? GST REG 06. डीलर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, फिर कंपाउंडिंग स्कीम, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, इंटरस्टेट सप्लायर्स. कौन कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते? इंटरस्टेट नहीं ले सकते, इंटरस्टेट वाले नहीं ले सकते. तो इंटरस्टेट सप्लायर्स को हटा दो. आंसर इज 3 ऑप्शन का 119 का थर्ड पार्ट. वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी टू मेक 1-to-1 मार्केट फॉर द कंज्यूमर. बेसिक कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस ऑन लॉटरी, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट. आपको बताना है इनमें से क्या क्या हट गया. कस्टम ड्यूटी थोड़ी ना हटा है, गलत है. लॉटरी हट गई, हाँ लॉटरी टैक्स हट गया, एडवर्टीजमेंट ये भी सब्ज्यूम्ड हो गया. 2 and 3 इज द आंसर. तो 120 का 2 and 3 इज द आंसर, बिल्कुल करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, इनमें से क्या गुड नहीं है? 10 पैसा, ये तो हो गया करेंसी, बोलो हाँ या ना. सो मनी, मनी इज, आपको याद होगा बच्चों, गुड्स की डेफिनेशन मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी. तो मनी एंड सिक्योरिटी इज नॉट अ गुड, तो ये गुड नहीं है. शेयर्स क्योंकि सिक्योरिटीज है, ये भी गुड नहीं है. लॉटरी टिकट, ये एक्शनेबल क्लेम है. और आपको याद होगा क्या लिखा था डेफिनेशन, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. तो लॉटरी टिकट इज गुड. तो आंसर इज ओनली 3. अच्छा नॉट कंसिडर्ड एज गुड, तो 1 and 2 इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड. वन एंड टू होना चाहिए. 10 पैसा कॉइन हैव अ सेल वैल्यू ऑफ 100. अच्छा सॉरी ये टैक्सेबल हो जाएगा. हाँ लॉजिकल है. 1 ये इसका, ये भी गुड है और लॉटरी टिकट भी गुड है, तो सिर्फ सेकंड होगा आंसर, ये होगा. इसका रीजन है 10 पैसा कॉइन अगर 10 पैसे ही वैल्यू होती तो ये गुड नहीं होता. बट अगर आपको याद हो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. यहां पर ये जो मनी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में भी नहीं, बट ये गुड्स नहीं है, सर्विस में आना चाहिए ना ऐसी कैटेगरी. सेल वैल्यू 100 रुपए है, 10 पैसे कॉइन को हम ज्यादा वैल्यू पर बेच सकते हैं, तो इसको 10 पैसे वैल्यू नहीं है इसलिए इन्होंने गुड नहीं बोला. वैसे सर्विस की कैटेगरी में आता है, सर्विस में आता है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था एनी क्या कहते हैं, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन मनी इन सिक्योरिटीज बट and includes any activities which is in conversion of money, hai na, conversion of money from one form currency denomination to another form currency denomination. To ye point wahan par apply ho sakta hai, service boli ja sakti hai. To inhone good hi maan liya, chalo koi baat nahi, second answer aapne dal diya. Answer वैसे इस हिसाब से देखा जाए कि ये good तो नहीं होगा, ये service category में आ जाए और ये good है, तो
मेरे हिसाब से, उस हिसाब से आंसर सिर्फ गुड का ये होना चाहिए, आंसर होना चाहिए था वन एंड टू, ये दोनों ही गुड नहीं है, वन एंड टू ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, टोबैको लीव्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट बाय रजिस्टर्ड पर्सन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम विल बी, टोबैको लीव्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, टोबैको पर जीएसटी लगता ही नहीं, नहीं लगता है टोबैको पे लिए जीएसटी लगता है, एग्रीकल्चरिस्ट, अच्छा खरीद कौन रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट उससे खरीद रहे हो, आरसीएम लगेगा, हाँ सही बात है, एग्रीकल्चरिस्ट तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चरिस्ट तो जीएसटी देगा नहीं, बायर देगा। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर, रिवर्स चार्ज, यस रिवर्स चार्ज लग जाएगा, ठीक है। फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम शैल नॉट एक्सीड, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए लिमिट वही 1.5 करोड़ ही है ना, फिर से आ गया क्वेश्चन, अ सप्लायर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज वुड बी क्लासिफाइड एज प्रोविजन दैट डिस्क्राइब्स द वेरिएबल दैट आर सब्जेक्ट टू हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स देखते हैं उसका वो सप्लाई माना जाता है। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एंड इट्स अ टैक्स सिस्टम दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स सर्विसेस गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट्स प्रोडक्ट सिस्टम्स एंड एक्सपोर्ट्स, वाइड रेंज ऑफ व्हाट, वाइड रेंज ऑफ क्या होना चाहिए, वाइड रेंज ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों ही होने चाहिए, तो बट यहां पर गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट, वैसे गुड्स एंड सर्विस दोनों होने चाहिए, मुझे नहीं पता इसका आंसर उन्होंने ऐसा क्यों दिया है, आई एम नॉट श्योर इसका आंसर भी करेक्ट हो, ठीक है, और मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, वैसे गुड्स और सर्विस दोनों होने चाहिए थे, बट गुड्स कंपनीज एंड इंपोर्ट लिखा है, आई एम नॉट श्योर दोस्तों, ठीक है मैं पहले ही बता देता हूँ, आगे आ जाओ। विच आर द फॉलोइंग इज एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, क्या एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, टैक्सेबल सप्लाईज एग्जेम सप्लाईज एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट सप्लाईज, और क्या नहीं आता, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी हटा देते हैं, और इसके अलावा इनवर्स सप्लाई ऑन व्हिच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है इनवर्स सप्लाई, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट आइसक्रीम पान मसाला टोबैको फॉर हुम कंसेशनल रेट एप्लीकेबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम द रेट ऑफ टैक्स इज, कॉम्पोजिशन स्कीम में रेट ऑफ टैक्स क्या है, अब देखो अब नलायक है बिल्कुल, बताओ ना सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हो आईजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हो, कुछ नहीं लिखा मैन्युफैक्चरर के लिए बताओ, तो ये तो है नहीं, वैसे उसके लिए 0.5 और 0.5 है, अगर सीजीएसटी एक्ट की बात करोगे सीजीएसटी एक्ट की तो 0.5 0.5, और अगर आईजीएसटी एक्ट की बात करोगे तो 1%, तो यहां पे 1 लिख दिया है, बट वैसे गलत है क्वेश्चन, इनको सीजीएसटी एक्ट लिखना चाहिए था, कौन से एक्ट के हिसाब से बोल रहे हो, वेदर अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम शैल क्लेम आईटीसी, नहीं ले सकता ना, नो ही कैन नॉट क्लेम आईटीसी, नो, विच ऑफ द व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, फिर से वही आ गया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अरे कंसिडरेशन कहां से आ गया, गुड्स की बात हो रही है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट होती थी व्हेन इनवॉइसेस टू बी इशू, तो ए ही होना चाहिए इसका आंसर, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिया है, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अच्छा वो लास्ट डेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, ये लास्ट डेट है, ड्यू डेट मतलब लास्ट डेट होगी, ये इसी को लास्ट डेट बोल रहे, कब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से, जो हमने पहले भी किया बट थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंजेस कर दिए, अर्लियर ऑफ ए एन बी, हाँ तो इसका आंसर ए एन बी, अर्लियर मतलब लास्ट पार्ट होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, अगर वाउचर में गुड आइडेंटिफाइबल है पहले ही तो डेट ऑफ इशू पे ही ले लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इशू हो जाएगा, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें से क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, जीएसटी होगा, नहीं जीएसटी तो ना होगा, इंटरेस्ट होगा, लेट भी होगा, जीएसटी नहीं होगा, तो जीएसटी इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, हाँ ये आएगा, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वगैरह ये भी आएगा, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी, सारे आएंगे, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन कैन ट्रांजेक्शन बी रिजेक्टेड फॉर कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब जब ट्रांजेक्शन वैल्यू कब रिजेक्ट हो सकती है,
जब बायर सेलर रिलेटेड हो और प्राइस इज नॉट सोल कंसेशन, ये पहले कर चुके हैं हम। व्हाट डिडक्शन आर अलाउड फ्रॉम ट्रांजेक्शन वैल्यू? डिस्काउंट्स, सिंपली डिस्काउंट्स। रूल 30 ऑफ सीजीएसटी रूल्स इंटर एलिया प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट शैल बी डैश ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110%, 110%। रूल 30 के हिसाब से 110%। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट ऑन टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इशूड। कब? बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों होने चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर 3 होगा इसका आंसर, करेक्ट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017? इनमें से क्या सप्लाई नहीं है? पहला, गुड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एक्स एंड सन्स टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सप्लाई टू अ कस्टमर। तो अगर आपने किसी को बेचा एजेंट को, तो वो सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल टू एजेंट। हाँ, अगर एजेंट अपने नाम पर बेचेगा तो प्रिंसिपल से एजेंट को जो सप्लाई गुड्स दिए गए, प्रिंसिपल से एजेंट, याद है आप लोगों को, वो सप्लाई माने जाते हैं। अगर एजेंट ने अपने नाम से गुड्स को क्या किया, बेचा, तो है कि नहीं। और अगर प्रिंसिपल का नाम यूज किया, वो बात अलग है, तो प्रिंसिपल देन प्रिंसिपल टू एजेंट जो है वो सप्लाई माना नहीं जाता। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम डिपेंडेंट फादर रिजाइडिंग इन यूएस, क्या करें? सर ये तो डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में आ जाता है ना, स्केड्यूल नंबर 1, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड टू एम्प्लॉई फॉर 50,000, देखो 50,000 रुपए तक की लिमिट होती है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को कुछ गिफ्ट देता है तो ये जो अमाउंट है, दिस शुड बी नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई माना नहीं जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138, द टर्म सीटीपी इंक्लूड्स अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ इन अ स्टेट और यूटी वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अ पर्सन ओकेजनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ इन अ यूटी और स्टेट वेयर ही हैज फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। जी हाँ, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस उसका नहीं है, ये होना चाहिए, उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। 138 का जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, है कि नहीं? मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली इज पार्टिसिपेटिंग इन हिटेक्स फर्नीचर एक्सपो इन हरियाणा वेर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एग्जीबिटिंग हिज प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग द एक्सपो द सेट प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड टू पर्सनल अटेंडिंग पीपल अटेंडिंग एंड इंटेंडिंग टू परचेज द सेट प्रोडक्ट्स। इन सच सिनेरियो मिस्टर एक्स शैल ऑब्टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट? सीडीपी, बोलो हां या ना। एनआरडीपी तो होता है नॉन रेजिडेंट के लिए, है कि नहीं? An exempt supply includes supply of good or service or both which attract nil rate of tax, non-taxable supply, या supply of good or service or both which are wholly exempt from tax under section 11. तो मेरे हिसाब से सारे ही exempt supplies होते हैं, तो all of the above is the correct answer. Yes. Which of the following service is notified by government for ECO? Service by transportation of passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab? Yes. याद है Ola Uber? ये ECO वाले केस में section number 95 के अंदर आ जाता है। सेक्शन नंबर 95 में। इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग होटल एंड इन्स गेस्ट हाउस, ये भी इसके अंदर कवर्ड है। हाउसकीपिंग, इसमें तो आ गया बच्चों गो आई बीबो आ गया, मेक माई ट्रिप आ गया, इसमें आ गया अर्बन कंपनी, आ गया अर्बन क्लैब, ठीक है, और इसमें ओला उबर आ गया, इनफैक्ट स्विगी जोमैटो भी है, बट वो पॉइंट इसमें लिखा नहीं हुआ। आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 141-142 पे आ रहे। अ होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा दो इन इलेक्ट्रॉनिक थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप्स, द होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ओके, हु इज अ पर्सन लायबल टू पे जीएसटी? ईसीओ। ईसीओ खुद देगा जीएसटी, ठीक है, यानी ईसीओ देगा। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर ईसीओ होना चाहिए, सेक्शन 95 में कवर है। क्वेश्चन नंबर 143, स्टेट द टैक्सेबिलिटी of satellite launch services provided to both international and domestic customers by Antariksh Corporation Limited. Now ये बताना था कि ये service exempt है या taxable? दोस्तों ये service taxable है, इस पर कोई exemption नहीं है। Government of India, देखो ये Government of India की company है, तो ये wholly owned government की कोई भी company अगर satellite services दे रही है तो वो exempt नहीं है, taxable है, ठीक है।
ये चैप्टर फोर एग्जेम्पशंस के अंदर हम पढ़ते हैं ना, अलग से एग्जेम्पशंस का टॉपिक है, उसके अंदर आता है। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, यस, सप्लाई टू एसईजेड ये भी होता है उसके अंदर, बोथ वन एंड टू, यस, ऑप्शन नंबर फोर शुड बी द आंसर। Registered taxable person is eligible to claim refund in respect of export of goods and services in the following cases. एक registered taxable person is eligible to claim refund in a case of export of goods and services. Yes. On the payment of IGST, claim refund of IGST paid on such goods and services. Under bond without payment of IGST and claim refund of unutilized ITC. Yeah, none of above. Yeah, both one and two. बेटा देखो, अगर आपने आईजीएसटी दिया हुआ है ये वाला ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो उसको, ठीक है। और अगर आपने आईजीएसटी नहीं भी दिया तो आपने जो परचेज पे दिया है, परचेज पर आईजीएसटी परचेज पे जो भी जीएसटी दिया उसका क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट का रिफंड ले सकते हो। तो यस, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर, यानी 145 का फोर्थ ऑप्शन शुड बी द आंसर। इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वॉटर्स, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है, टेरिटोरियल वाटर्स, देन व्हाट विल बी द कंसीडर्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या होगा, एक्चुअल लोकेशन होगा, एक्चुअल लोकेशन होगा, प्रिंसिपल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सप्लायर होगा, या फिर एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सप्लायर ऑफ हिज चॉइस होगा, या कोस्टल स्टेट। भाई देखो, अगर आप टेरिटोरियल वॉटर्स में सप्लाई करते हो, बच्चों आपको याद होगा, ये देखो, अगर आप टेरिटोरियल वॉटर्स में सप्लाई करते हो, मान लो ये इंडिया का साउथ पार्ट है और आप टेरिटोरियल वॉटर्स, टेरिटोरियल वॉटर बताया ना 12 नॉटिकल माइल, इंडियन टेरिटोरियल वॉटर्स 12 नॉटिकल माइल, ये वाले एरिया में अगर आप सप्लाई करते हो ना, तो बेटा जो भी नियर बाय स्टेट होता है उसी की सप्लाई मानी जाती है, बोलो हाँ या ना, जो भी नियर बाय सप्लाई होता है उसी की वो सप्लाई मानी जाती है, यस और नो एवरीवन। तो कोस्टल स्टेट शुड बी द आंसर, यस। फोर्थ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर विद इन 30 डेज हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर ऑफ वन एंड टू, अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज रेज कर दिया तो अर्लियर ऑफ वन एंड टू, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज में क्या होता था सर्विसेज में, अच्छा सर्विसेज में द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज ये वाली डेट होती थी, बिल्कुल सही है, ये भी होती थी, डेट ऑफ पेमेंट होती थी, बिल्कुल होती थी, विच एवर इज अर्लियर ये होना चाहिए आंसर। वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड इज 1 लाख, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 5th अक्टूबर, एडवांस रिसीव इज 25,000 ऑन 20th सितंबर, बैलेंस अमाउंट रिसीव ऑन 7th अक्टूबर, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 1 लाख, भाई 1 लाख की सर्विस दी है, इश्यू ऑफ इनवॉइस 5 अक्टूबर को इनवॉइस बना दिया गया है, एडवांस आपको 20 सितंबर को मिल गया था, तो बेटा देखो 20 सितंबर को तो 25,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लग जाना चाहिए, बाकी के 75,000 रुपए कब लगना चाहिए, अगर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज के, सर्विस कब कंप्लीट हुई लिखा है, नहीं, इनवॉइस इशू हो गया ना, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 75,000 के लिए होना चाहिए 5 अक्टूबर और 25,000 के लिए होना चाहिए 20 सितंबर, हाँ या ना, ये है मुझे लगता है आंसर, यस यस। 149 का थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, एक बार आप भी देख लो, डन, ठीक है, समझ में आया ना, आपको याद है ना वो टाइम ऑफ सप्लाई का रूल, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एडवांस, डेट ऑफ पेमेंट और इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर, अगर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज कर दिया, और अगर कंप्लीशन के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज नहीं किया तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहां पर कंप्लीशन ऑफ सर्विस की डेट नहीं दी हुई,
इनवॉइस दिया, पेमेंट दिया, एडवांस पेमेंट पहली आ गई तो पेमेंट वाला 25,000 रुपए के ऊपर तो जीएसटी उसी डेट पर, डेट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और बाकी 75,000 के लिए क्या करेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विच इज 75,000 के लिए होगा 5 अक्टूबर। डन। वेदर क्रेडिट ऑन इनपुट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन रिसीट बेसिस, रिसीट ऑफ गुड्स। कह रहा है क्रेडिट इनपुट शुड, क्रेडिट ऑन इनपुट शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसीट ऑफ गुड, मतलब डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होता है या गुड्स के बेसिस पे होता है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स होते हैं ना, गुड्स होने जरूरी है, बट हाँ डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी दिक्कत है, तो इसलिए बोथ बोथ होना चाहिए आंसर, इनवॉइस होना जरूरी है। द सप्लाई ऑफ गुड टू द एसईजेड यूनिट इज ट्रीटेड एज, अरे यार ये तो अभी पढ़ा ना, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई आ गया था। ऑन सप्लाई ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज बाय पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। अगर कोई ओआईडीएआर सर्विसेज दे रहे हैं अ पर्सन बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल, हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दे रहे हैं ना, तो ओआईडीएआर ही देगा जीएसटी। सप्लायर शुड बी लायबल टू पे जीएसटी, सप्लायर। आगे, इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन टेरिटोरियल वाटर्स देन व्हाट विल बी द कंसीडर्ड, व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज लोकेशन ऑफ सप्लायर, यही बात हमने पहले भी पढ़ी, कोस्टल स्टेट आएगा इसका आंसर। आगे, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्या लिमिट होती है 200 नॉटिकल माइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, डेट ऑन विच गुड्स आर क्रॉस, गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, या फिर डेट ऑफ एंट्री इन द टेरिटोरियल वाटर्स, या फिर अनलोडिंग ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स एट कस्टम पोर्ट। कब इंपोर्टेड गुड्स माने जाते हैं कि उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जानी चाहिए, कब लग जानी चाहिए, जिस डेट पर वो कस्टम बैरियर्स को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो टैक्सेबल इवेंट क्या है, द डेट ऑन विच गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और वो होता है इंडियन कस्टम वाटर, ICW, एक होता है ITW और एक होता है टेरिटोरियल कस्टम बैरियर्स। कस्टम बैरियर होता है इंडियन कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल, कोस्टल कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन, बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोग जो लगाते हैं वो कौन से रेट्स के बेसिस पे लगाते हैं बच्चों, जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होता है, कहां लिखा होता है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आईजीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन, इनमें से कौन सी चीज इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम आईजीएसटी निकाल रहे होते हैं, जब हम आईजीएसटी निकाल रहे होते हैं तो हम सेस इंक्लूड नहीं करते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो इंक्लूड करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंक्लूड करते हैं जब आईजीएसटी लगता है, तो क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस इंक्लूड नहीं करते। वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर एसर्टेनिंग द असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी, द परसेंटेज ऑफ एफओबी इज 1.125%, 1.125%, यस और नो। वेयर द ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज नॉट अवेलेबल फॉर एसर्टेनिंग द असेसेबल वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में 20% ऑफ एफओबी ले लेते हैं, यस और नो, 20% ऑफ एफओबी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंकर्ड बाय इंपोर्टी फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन शेल बी इंक्लूडेड इन द असेसेबल वैल्यू। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंकर्ड बाय, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंकर किए इंपोर्टी ने, बेसिकली जो जो रिसीव कर रहा है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, हाँ वो वाले खर्चे तो इंक्लूड होने चाहिए, यस वो इंक्लूड होने चाहिए कि नहीं, वो खर्चे बिल्कुल इंक्लूड होने चाहिए। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, पर्सन इन चार्ज मींस वेसल के लिए मास्टर, ट्रेन के लिए कंडक्टर या गार्ड, व्हीकल के लिए ड्राइवर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यस। गुड्स वेयर आर सेम विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज, जो कि फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकली भी और ऑल रिस्पेक्ट में वो सेम हो, ऑल रिस्पेक्ट में सेम हो, इनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल गुड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल गुड्स। Buying commission shall be included in the assessable value. Is this statement is correct?
बाइंग कमीशन क्या कभी इंक्लूड होती है? बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं होती है असेसेबल वैल्यू में. नो इज द आंसर. सेल्स कमीशन आती है. एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इन टू इंडिया शेल इन एडिशन बी लाइबल टू आईजीएसटी नॉट एक्सीडिंग. कितना मैक्सिमम आईजीएसटी लगा सकते हैं बच्चों किसी भी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर? भाई आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% होता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इन टू इंडिया इज लाइबल टू ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी फॉर बींग लेवियबल. इसको क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं. बट आपको तो पता है ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी अब खत्म हो चुका है. काउंटर वेलिंग ड्यूटी अब खत्म हो चुका है, अब तो ये लगता ही नहीं है. सो पहले इसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता था जो कि एक्साइज के इक्वल होता था. अब अगर कोई ड्यूटी लगती है तो वो क्या लगेगी? एडिशनल ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी. ये तो वैसे कोई भी नहीं लगना चाहिए. ये भी एलिमिनेट हो गया है लॉ से, ये भी एलिमिनेट हो गया है. ये कोई पुराना क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों, क्योंकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी अब जिंदा है नहीं, एलिमिनेट हो गया. एडिशनल ड्यूटी भी एलिमिनेट हो गया, तो ये ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन चर्चा कर ही क्यों रहा है जब खत्म ही हो गए. और वैसे भी ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी होना चाहिए था, एडिशनल ड्यूटी नहीं होना चाहिए था. गलत है अगर इसका आंसर एडिशनल ड्यूटी दिया हुआ है, गलत. अगर होना भी चाहिए था तो काउंटर वेलिंग होना चाहिए था. और काउंटर वेलिंग में भी ये आंसर, काउंटर वेलिंग का क्वेश्चन आज आने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी. ठीक है, द मैक्सिमम रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी. अब एडिशनल ड्यूटी कितनी लगाई जा सकती है? एडिशनल ड्यूटी कितनी लगाई जा सकती है? एडिशनल ड्यूटी कितनी लगाई जा सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं. ये क्वेश्चन अगेन इससे कनेक्टेड है, ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों. काउंटर वेलिंग ड्यूटी होना चाहिए था यहां पर, अगर इनको यहां पर मेंशन भी करना चाहिए था. और काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक स्पेशल, हाँ इनको लिखना चाहिए था स्पेशल एडिशनल ड्यूटी. एक स्पेशल है, स्पेशल सीबीडी कहते हैं उसको, बट वो सेल्स टैक्स के बराबर होता है. नलायकों ने एक्साइज ड्यूटी लिख दिया है, समझ रहे हो गलती? ये एडिशनल ड्यूटी अगर वो सेल्स टैक्स वाले पॉइंट को बोल रहे हैं, स्पेशल सीबीडी को, हाँ उसको एडिशनल ड्यूटी भी बोलते थे. अब अगर उसी को बोल रहे हैं तो भाई सेल्स टैक्स के केस में आंसर 4% है, क्योंकि सेल्स टैक्स का रेट 4% होता था. बट यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है आंसर्स. अगर क्वेश्चन वैसे पूछना ही चाहिए, पहली बात ना ही सीबीडी जिंदा है ना स्पेशल सीबीडी जिंदा है, दोनों ही खत्म है. अभी पता नहीं कौन सी पुरानी किताब से निकाल के क्वेश्चन बना दिए इन्होंने. इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर एनहांसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. ऐसे कौन सी कंडीशन पूरी होने पर एक्साइज ड्यूटी एनहांस की जा सकती, इंपोर्ट ड्यूटी एनहांस की जा सकती है? द गुड शुड बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. हाँ, इन ये गुड्स फर्स्ट शेड्यूल में होने चाहिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर्स इट नेसेसरी फॉर एनहांसमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. ये भी ठीक पॉइंट है. बोथ वन एंड टू शुड बी द करेक्ट आंसर. यस, कि फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए, ऑब्वियसली उसका रेट मेंशन होना चाहिए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि यस उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए. तो अगर ये दोनों बातें हैं तो आंसर सही है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी इफ इट इज सेटिस्फाइड. सेंट्रल गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाती है बच्चों? सेफगार्ड ड्यूटी कब लगाती है? अगर आर्टिकल इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर इंक्रीज क्वांटिटी, यस, जब वो सीरियस इंजरी दे रहा हो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को. ये भी पॉइंट ठीक है. तो दोनों पॉइंट ठीक है, इसलिए आंसर बोथ वन एंड टू होगा. बिल्कुल करेक्ट है, सेफगार्ड ड्यूटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बनाया जाता है. अब जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? 10 साल. मिनिमम 4 साल, मैक्सिमम 10 साल. एन अपील फाइल्ड अंडर सेक्शन 9B, एन अपील फाइल्ड अंडर सेक्शन 9B शैल बी अकॉम्पनीड बाय अ फी ऑफ. अब देखो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने आपसे, आपको नहीं पता होगा. वैसे फी होती है 15,000 रुपए. आगे आते As per section 14 of the Customs Act 1962, transaction value shall also include in addition to the price any amount paid or payable for cost and services includes. Transaction value में क्या-क्या इसमें आएगा? Brokerage commission आएगा, engineering आएगा, royalty, license fees आएगा. All of the above is the answer. As per section 14 of the Customs Act 1962, transaction value shall also include in addition to the price. क्या क्या इसके अंदर आएगा? ये सारे आएंगे. क्या बच्चों ने क्वेश्चन पूछे?
For imported goods, the conversion in the value shall be done with reference to the rate of exchange prevalent on date of filing of. Relevant, हमें date of exchange, हमें exchange rate लेना है कि कौन सा exchange rate लेंगे? भाई जिस date पर bill of entry file करते हैं, जिस date पर bill of entry, वही वाला exchange rate लेते हैं import में. Yes or no? For the purpose of custom valuation, rate of exchange means the rate of exchange notified by CBIC. Section 14 provides the board may fix for any class of imported goods or export goods having regard to a trend of value of such or like goods by notification in official gazette if it is satisfied that it is necessary to do so. Section 14 provides that board may fix for any class of imported goods or exported goods having regard to the trend of the value. हाँ ऐसा हो सकता है. यस, सेक्शन 14 के हिसाब से बोर्ड रेट फिक्स भी कर सकता है और ऐसे केस में मार्केट वैल्यू एमआरपी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं होता, टैरिफ वैल्यू होता है. बच्चों ड्यूटी जो है वो दो तरीके से लगाई जा सकती है, या तो टैरिफ वैल्यू या ट्रांजेक्शन वैल्यू. तो आप लोगों को तो पता ही है टैरिफ वैल्यू. तो टैरिफ वैल्यू होती है फिक्स रेट पर, फिक्स वैल्यू होती है, उस वैल्यू पर ही ड्यूटी लगाते हैं. द टर्म सिमिलर गुड्स मीन्स, सिमिलर गुड्स का क्या मतलब है बताओ? ऐसे गुड्स although not alike in all respects having like characteristics, jinme characteristics similar hote hain, produced in the country in which the goods being valued were produced, us country se us country mein produce ho rahe hain aise goods in which goods are being valued were produced, produced by the name by the same person who produced the goods being valued. To jo goods ki value lagayi nikali ja rahi hai wahi banda ye goods pehle bhi produce kar chuka hai, aise goods ko hum log kya bolenge? Similar goods bolenge. Kya bolenge? सिमिलर गुड्स बोलेंगे. तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर. तो सिमिलर है कैरेक्टरिस्टिक्स में और प्रोड्यूस इन द कंट्री इन विच द गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस्ड, जिस डेट मतलब इंडिया की बात हो रही है ना, तभी तो हम सिमिलर गुड्स कर रहे हैं. इंडिया में प्रोड्यूस हुए होने चाहिए ऐसे गुड्स, और वो भी सेम पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस होने चाहिए. Yes, उसी ने कोई और मॉडल निकाला हुआ है या पहले बनाए हुए हैं गुड्स, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? या कुछ और हल्का सा टेस्ट चेंज करके, जैसे होता ना कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की बात करें, कोका कोला ने कोका कोला भी निकाली हुई है और थम्स अप भी निकाली हुई है, दोनों कोका कोला कंपनी की है, तो इनको बोलेंगे सिमिलर गुड्स. क्या बोलेंगे? सिमिलर. द लोडिंग unloading and handling charges associated with delivery of imported goods at the place of importation shall be loading unloading ke liye kya hame kuch isme add karna hota hai loading unloading handling charges ke liye nahi beta 0% haan ji dekhte hain question number 178 now where the goods are sent back as such to a foreign country owing to which of the following reason इट इज कंसिडर्ड एज री एक्सपोर्टेशन. कौन से ऐसे रीजन में री एक्सपोर्टेशन मान लिया जाता है कि भाई ये इंपोर्टेड गुड्स लिखना चाहिए थे इनको, यहां पर गलती है क्वेश्चन में, इंपोर्टेड गुड्स लिखने चाहिए थे. इंपोर्टेड गुड्स आर सेंड बैक टू फॉरेन कंट्री, ठीक है. तो गुड्स नॉट कंफर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, मतलब जो हमने ऑर्डर किया था, इंपोर्ट किया था, ऑर्डर किया था, वो वैसे गुड्स नहीं है, तो हम उसको री एक्सपोर्टेशन मानेंगे जब हम उसको वापस भेज देंगे. हाँ. नंबर दो, goods not permitted to be imported into the country on account of trade restriction. Import करने के बाद re-export इसलिए कर दिया क्योंकि वो allow ही नहीं है इस country में. हाँ, ये भी एक reason हो सकता है. Goods after being imported are temporarily retained in the country and later taken out of the country. In other words, the very objective of the importation was limited to temporary retention of India. दोस्तों इसमें all of the above होगा, यहां पर answer 178 का all of the above. वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा फाइनल सीएमए फाइनल से रिलेटेड है, इन्होंने यहां डाल दिया है, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, जहां इतनी गलतियां करी हैं वहां ये गलती तो छोटी ही है, ठीक है. आगे आ रहे ओहो क्वेश्चन नंबर 179 under section 74(1) when goods capable of being easily identified
which have been imported into India and upon which any duty has been paid on importation. तो duty drawback देना पड़ता है, कितना duty drawback देना पड़ेगा? Maximum होता है 98%, 98%, तो 98% is the answer. As per the notification, no duty drawback of import duty will be allowed in respect of which of the following goods if they have been used after importation in India. अगर उनको गुड्स को यूज कर लिया तो किस केस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा? वेयरिंग अपैरल्स में नहीं मिलता, टीचर्स में नहीं. अगर यूज कर लिया तो इन तीनों ही केसेस में नहीं मिलता. ऑल ऑफ द अबव. सीबीआईसी हैज क्लेरिफाइड दैट सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी आर रिबेटेबल एज ड्रॉबैक. इसको ड्रॉबैक मानते हैं. अगर सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी आर रिबेटेबल एज अ ड्रॉबैक इन द टर्म्स ऑफ, उसको वापस लिया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 75 ऑफ द कस्टम एक्ट. 75 ऑफ द कस्टम एक्ट. दैट्स इट दोस्तों. तो ये रहे एमसीक्यूज, इसके आंसर्स हैं आपके पास. कुछ क्वेश्चन के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कहां कहां गलतियां हैं. बाकी ऐसे ही वीडियो के साथ ऐसे ही और भी कंटेंट में लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए. तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें. थैंक यू, बाय बाय.